जम्मू रिंग रोड प्रोजेक्ट जम्मू के उन प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स में से एक है जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। 58.25 किलोमीटर लंबा ये 4 लेन रोड सांबा डिस्ट्रिक्ट के राया मोड़ से शुरू होकर जम्मू के बिश्ना, आरसपुरा, मढ़ और कोट बलवाल से गुजरते हुए नगरोटा में खत्म होता है। इस समय रिंग रोड का क्या स्टेटस है, इस पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर यशपाल सिंह जी। सर, जेके न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। गुड आफ्टरनून सर। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो रिंग रोड प्रोजेक्ट है जिसकी फाउंडेशन स्टोन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 19 मई 2018 को रखी थी, लगभग 4 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, अब इस समय इस रिंग रोड प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है? देखिए, रिंग रोड 2018 में शुरू हुआ था, उसके बाद से इसको जो है जनवरी 2021 में इसको कंप्लीट होना था, बट कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से जो है टाइमली नहीं हो पाया ये, और ये डिलेड प्रोजेक्ट है। इस समय डिले होने का एक कारण ये भी है कि इसमें एक तो कोरोना पीरियड रहा आपका 2 साल तक, तो लेबर्स वगैरह की रिसोर्सेज की इशू थे, और लॉकडाउन पीरियड में तो जो है सभी जो है जितने भी बिजनेस थे वो सब बंद थे, चाहे वो क्रेशर का हो, मटेरियल प्रॉपर मिल नहीं पा रहा था, ये सब इशूज़ थे, उसकी वजह से 2 साल तो ये उसकी वजह से डिले हुआ है। बट हम लोगों ने अब जो है इसको काफ़ी स्पीड अप किया है और इसको मॉनिटर कर रहे हैं टाइमली कम्प्लीशन करने के लिए, तो उम्मीद ये है कि हम इसको जो है सेप्टेम्बर 2021 दिस ईयर हम इसको जो है पूरा कर लेंगे, ये 0 से 48 तक। बाकी 10 किलोमीटर का जो स्ट्रेच था उसमें हमारे 2 टनल आ रहे थे, 750 मीटर लेंथ के डबल ट्यूब वाले टनल थे, तो इसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से, जियो इन्वेस्टिगेशन की वजह से इसमें ये हुआ है कि जो एक्सपेक्टेड जो सॉइल वगैरह था और इसमें जो रॉक्स वगैरह का था उसके हिसाब से वो मैच नहीं हुआ, और टेक्निकली जो है फिर इसको डीस्कोप करना पड़ा है हमको, और इसके लिए हम फिर से बिडिंग प्रोसेस इसकी अंडर प्रोसेस है। सर, जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था रिंग रोड प्रोजेक्ट, तब इसकी कॉस्टिंग जो थी 1891 करोड़ थी, अब इसकी जो कॉस्टिंग है उसमें कुछ चेंजेस आई? नहीं, देखिए, इसमें जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसमें जो प्रोजेक्ट का सिविल कॉस्ट होती है उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, थोड़ा बहुत चेंजेस जो है इसमें आपका जो है लैंड एक्विजिशन की वजह से हो सकता है वेरिएशन, अदरवाइज जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं है इसमें। इसके अलावा टोटल प्रोजेक्ट में हमने जो प्रोविजंस थे हमारे उसमें, जैसे आपके 8 फ्लाईओवर्स थे, टोटल जो है वीयूपी अंडरपासेज और पेडेस्ट्रियन अंडरपासेज जो थे वो 15 थे, इसके अलावा जो सर्विस रोड 14 किलोमीटर थी। अब इसमें हमने जो है कुछ पब्लिक की डिमांड के हिसाब से हमने कुछ जगह पर प्रोविजन किए हैं जिससे कि रोड सेफ्टी को भी हम लोग प्रॉपर जो है टेकअप कर सकें, तो इसमें एक्स्ट्रा जो है एडिशनल जो है 5 जो है वीयूपी एलयूपी हम लोग जो है प्रोविजन कर रहे हैं, इसके अलावा 20 किलोमीटर और सर्विस रोड हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसमें वो करीब 100 करोड़ का हमारा एक्स्ट्रा हमने जो चेंज ऑफ स्कोप में उसको अप्रूवल मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। सर, आपसे जानना चाहते थे कि रिंग रोड प्रोजेक्ट की इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए, रिंग रोड की इम्पोर्टेंस इसलिए होती है कि जहाँ सिटी नेशनल हाईवे के एडजॉइनिंग सिटी डेवलप हो जाते हैं या बिल्टअप एरिया जो है काफ़ी ज़्यादा विकसित हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि जो बाहर का ट्रैफिक है, ट्रैफिक को अंदर आने के बाद फिर जो है काफ़ी जैम की स्थिति होती है, और इसके अलावा अगर जो डायरेक्ट ट्रैफिक बाहर जाना है, ठीक है, सिटी के अंदर जिस ट्रैफिक को आना है वो तो उसका मूवमेंट तो सिटी के साइड में ही रहेगा, बट जिस जो लॉन्ग डिस्टेंस वाला जो ट्रैफिक है उसका मूवमेंट अगर हमें बाहर से ही निकालना है, जैसे सपोज कीजिए कि सांबा से सीधा उधमपुर साइड जाना है, कटरा साइड जाना है, श्रीनगर साइड जाना है, तो उसके लिए रिंग रोड्स प्रभावी रहते हैं। इसके अलावा जो है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी जम्मू रिंग रोड का काफ़ी महत्व है, इसलिए कि हमारे जो डिप्लॉयमेंट है और हमारे जो है जितने आर्मी के जितने व्हीकल्स वगैरह हैं उनको ईजीली जो है बॉर्डर एरिया में पहुँच सकें, उसके लिए भी ये काफ़ी ईज रहेगा। इसके अलावा आपका सिटी का डेवलपमेंट बोथ साइड रोड साइड में होना है, और ओवरऑल जो है प्रॉस्पेरिटी या डेवलपमेंट ये सब चीज़ों को देखते हुए इसका जम्मू रिंग रोड का काफ़ी महत्व है। रिंग रोड बन जाने से जो ट्रैफिक स्ट्रेच है उसमें कितना आराम आएगा, कितना उसमें लोगों को कितनी सहूलियत होगी? नहीं, ट्रैफिक तो काफ़ी ईज हो जाएगा। देखिए, जम्मू सिटी में वही ट्रैफिक आएगा जिसका डेस्टिनेशन जम्मू होगा,
ठीक है, इसके अलावा जो बाहर का जो भी ट्रैफिक है वो जम्मू रिंग रोड से बाईपास हो जाएगा। इसके अलावा भी जो है जितना हमारा जो एडजॉइनिंग जम्मू रिंग रोड के जितने भी बिल्टअप एरिया होगा, सिटी होंगे, विलेजेस होंगे या आर्मी से रिलेटेड जितने व्हीकल्स होंगे, उनको अगर अपने डेस्टिनेशन पे दूसरी जगह पे जाना है तो वहाँ से वो आराम से क्रॉसिंग से या अंडरपासेस से या सर्विस रोड के थ्रू जो उसमें मर्ज हो के वहाँ से अपना बाहर निकल जाएंगे। तो इसमें सुविधाएं तो काफ़ी हो जाएंगी इसकी वजह से। सर, सबसे बड़ी बात टोल प्लाज़ा, जहाँ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी जी ने कहा है कि 60 किलोमीटर तक कोई भी टोल प्लाज़ा नहीं होगा, क्या रिंग रोड पर टोल प्लाज़ा है कोई ऐसा, इसका कुछ प्रोविज़न है? देखिए, पहले इसमें एक टोल प्लाजा का यहाँ पे प्रोविज़न था, बट हमारे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने ये डिसाइड किया कि जो है रिंग रोड में सभी तरह के ट्रैफिक को मूवमेंट को ईज करने के लिए और वो फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए यहाँ से टोल प्लाजा हमने हटा दिया है। अगर किसी को शॉर्ट डिस्टेंस पे जाना है तो वो अननेसेसरी जो टोल फी वगैरह जमा करे तो उसमें एक अननेसेसरी इरीटेशन होता है लोकल ट्रैफिक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने उस टोल प्लाजा को हटा दिया, इसमें प्रोविज़न नहीं है।